आप सभी का हम स्वागत करते हैं अपने नॉलेजेबल कंसेप्ट चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में शेप्स के ऊपर, शेप्स कैसे इंसर्ट किए जाते हैं और शेप्स में कैसे एडिटिंग की जाती है। तो आइए आज का हम टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे सामने स्क्रीन अवेलेबल है। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें आना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ रहता है शेप्स के ऊपर, ये शेप्स पे जस्ट प्रेस कीजिए, आ गई लिस्ट। यहाँ पे आप नोटिस कीजिए यहाँ पे सब हेडिंग्स दिए हुए थे, लाइंस चाहिए, रेक्टेंगल्स चाहिए, बेसिक शेप्स चाहिए, जो भी आपको चाहिए यहाँ से डिजाइन आप सिलेक्ट करके ले सकते हैं। और उसके साथ जो जो सब डिजाइने बनी हुई हैं, आप कहीं पे भी किसी भी डिजाइन पे एरो रखिए तो आपको उसका नाम इंडिकेट करता है कि क्या डिजाइन है। जस्ट आप उस पर सिंपली प्रेस कर लीजिए और माउस की हेल्प से प्रेस करके कंटिन्यू ड्रैग कर लीजिए जितना आपको चाहिए, जितनी साइज आप मेंटेन करना चाहते हैं, स्मॉल बिग जैसे आप चाहें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कवर कर सकते हैं। क्या करना है हमें, इंसर्ट में शेप्स में हम फिर से वही डिजाइन ले लेते हैं। पहले हमने क्या किया, प्रेस करके कंटिन्यू लेके गए ना। अब हम ऐसे कुछ नहीं करते, जस्ट सिंपल सा माउस का फर्स्ट डेट मीन लेफ्ट बटन प्रेस करके छोड़ देते हैं तो डिजाइन ऑटोमेटिकली वहां पे कवर हो जाती है। अब अगर आपको इन डिजाइन में कुछ एडिटिंग करनी है, कुछ साइज चेंज करनी है, डिजाइन की इन शेप्स की प्लेस चेंज करनी है, तो उसके लिए जो आपका ये माउस का एरो है, माउस पॉइंटर है, उस डिजाइन पे लेके आइए, उस शेप पे लेके आइए। नोटिस कीजिए, देखिए डिजाइन के ऊपर, शेप्स के ऊपर फोर एरोस आ रहे हैं जिसकी हेल्प से आप इसको प्रेस करके कहीं पे भी मूव ऑन कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए हो रहा है, सिमिलरली आप यहाँ पे आइए, फोर एरो आ रहे हैं तो आप इसको भी कहीं पे भी प्रेस करके कंटिन्यूअसली लेके जा सकते हैं, जहां चाहें आप इसको शिफ्ट आउट कर सकते हैं। और इसके साथ में आप नोटिस कीजिए ये जो व्हाइट कलर के बॉक्सेस दिए हुए हैं, व्हाइट कलर के छोटे से डॉट्स दिए हुए हैं, इनकी हेल्प से आप इस शेप की साइज चेंज कर सकते हैं, साइज में एडिटिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे आ रहे हैं इस डॉट के ऊपर, देखिए एरो क्या आ रहा है, लेफ्ट एंड राइट, इट मीन्स ये हमें इंडिकेटर दे रहा है राइट साइड से आप इस शेप की विड्थ कम कर सकते हैं या विड्थ बढ़ा सकते हैं। और अगर आप ऊपर की तरफ आते हैं, देखिए अप एंड डाउन एरो आ रहा है, डबल एरो यहां से इंडिकेटर आ रहा है कि आप ऊपर साइड से हाइट कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसे आप चाहें, जिस डायरेक्शन से आप चाहें, लेफ्ट साइड से, राइट साइड से, डायगोनली करना है। जैसे एरो आ गया तो आपको क्या करना है, माउस का लेफ्ट बटन जस्ट प्रेस करके उस डायरेक्शन से मूव ऑन करना है तो उसकी साइज ऑटोमेटिकली चेंज होती रहेगी। और यहाँ पे आप नोटिस कीजिए येलो कलर मार्किंग दिया हुआ है। अब ये जो शेप हमने लिया है स्माइली फेस, इसमें ये एक ही येलो मार्किंग दिया हुआ है। इंसर्ट में जैसे आप यहाँ पे शेप्स देख रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है कि हर एक डिजाइन में येलो मार्किंग आपको मिलेगी या एक ही मिलेगी, ऐसे कोई रूल नहीं है कि इसमें नहीं भी मिलेगी। जैसे यहाँ पे ये हार्ट का शेप दिया हुआ है, देख रहे हैं, अब इसे ऑन करिए और यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लीजिए। देखिए इसमें येलो मार्किंग नहीं है, इट मीन जो ये डिजाइन है सो है, आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते। और जैसे यहाँ पे ये दो डिजाइन हमारे सामने हैं, दो स्माइलीज हमने बना के रखे हुए हैं, यहाँ पे इस येलो कलर के बॉक्स पे, इस येलो डॉट पे एरो आ रहे हैं, इस एरो को प्रेस करके आप ऊपर की तरफ ले लीजिए, देखिए हो गया शेप चेंज। अगेन आप इसको प्रेस करके नीचे की तरफ ले लीजिए, हो गया स्माइली। और अगर आप चाहें तो इसको प्रेस करके ऐसे मिडिल ऑर्डर में सेट कर लीजिए, जैसे आप चाहें आपके पॉइंट ऑफ से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। इंसर्ट शेप्स, जो डिजाइन आप चाहें, सपोज हमने ये वाला एरो ले लिया और इसको जस्ट सिंपल सा प्रेस करके छोड़ दिया, ऑटोमेटिक आगे डिजाइन। अब आप जितना चाहें इसका हाइट एंड विड्थ से मैनेज कर लीजिए, फ्रॉम टॉप साइड, बॉटम साइड, लेफ्ट राइट, जैसे चाहें। अब नोटिस कीजिए यहाँ पे भी येलो मार्किंग दिया हुआ है और यहाँ पे भी येलो मार्किंग दिया हुआ है, इस शेप में डबल येलो मार्किंग है। तो हम यहाँ पे इसको जस्ट सिंपल सा प्रेस करके लेफ्ट साइड में ले रहे हैं, देखिए हो रहा है शेप चेंज। और अगर इसको प्रेस करके हमने राइट साइड में ले लिया, अगेन शेप चेंज हो गया। और अगर इस येलो से हम ऊपर की तरफ लेते हैं या नीचे की तरफ ले लेते हैं, जैसे आप चाहें। और अगर यहाँ पे नोटिस कीजिए ये रोटेट, ये सर्किल का साइन दिखा रहा है, ये जो हमारा माउस पॉइंटर है, यहाँ पे आने पे इसको प्रेस करके कंटिन्यू आप मूव ऑन कीजिए, ये देखिए डायरेक्शन चेंज हो रही है, जिस तरफ आपको चाहिए आप वहां पे उसको वो सेट करके रख सकते हैं। और उसके साथ में जैसे ये फोर एरो तो आ रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ पे इस फोर एरो की हेल्प से जस्ट माउस से आपको राइट क्लिक लेना है। जैसे ही राइट क्लिक किया, यहाँ पे देखिए ऐड टेक्स्ट का ऑप्शन आ गया, जस्ट प्रेस करते हैं इस पे, अब देखिए यहाँ पे कर्सर आ गया। अब आप यहाँ पे जैसे चाहें वहां पे वो वर्डिंग लिख सकते हैं, सपोज यहाँ पे हमने लिख दिया एग्जिट,
आपने देखा होगा मार्केट में या हाईवेज पे देख कुछ इंडिकेटर्स होते हैं रोड के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको आप सिलेक्ट करके होम से जाके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी साइज इंक्रीज कर लीजिए। ज्यादा साइज इंक्रीज हो गई तो कम भी कर सकते हैं। इसका फॉन्ट फैमिली में से फॉन्ट चेंज करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कलर कॉम्बिनेशन चेंज करने हैं आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसे आप चाहें अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सेट कर सकते हैं। अगेन इसमें भी कुछ चेंजेस चाहिए, साइज चेंज करना वो तो आप कर ही सकते हैं, कुछ इसकी जगह चेंज करनी है शिफ्ट करना है उसे, तो इन फोर एरो की हेल्प से प्रेस करके आप कहां पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर सपोज आपको ये डिलीट करना है, जैसे अभी ये डिजाइन बनी हुई है, जस्ट सिंपल सा प्रेस किया फोर एरो की हेल्प से बॉक्स आ गया, जस्ट कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर लीजिए। यहां पे भी जस्ट प्रेस किया और ये डिलीट लगा दिया, लेकिन अभी यहां पे कुछ लिखा हुआ है तो आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो नोटिस कीजिए यहां पे आपको डॉटेड लाइन आ रही है, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी आपको। तो अगेन आपको यहां पे फोर एरो की हेल्प से अगेन क्लिक करना है। देखिए अभी स्ट्रेट लाइन हो गई, अब आप यहां से इसको डिलीट कर सकते हैं। अगेन यहां पे भी सेम प्रोसीजर, जस्ट सिंपल सा फोर एरो की हेल्प से प्रेस किया और कीबोर्ड से डिलीट प्रेस कर दिया। इंसर्ट में शेप्स, जो डिजाइन आप चाहें आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बना सकते हैं। अब जैसे यहां पे हम नोटिस कर रहे हैं 8 पॉइंट का स्टार दिखा रहा है, प्रेस किया और इसको हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, यहां से हम चाहें तो होम से इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब यही एक जो डिजाइन है इसमें से न जाने कितनी डिजाइन बन सकती है। जैसे यहां पे हमने इस येलो की हेल्प से थोड़ा सा इसको नीचे ले लिया और यहां से इसको अगेन और थोड़ा नीचे ले लिया और यहां से भी इसको शिफ्ट आउट करके नीचे की तरफ ले लेते हैं और भी कॉपी करके पेस्ट करते हैं हम यहां पे आ गई डिजाइन्स। यहां से इसको टोटली और नीचे की तरफ ले लिया और यहां फिर इसको एकदम बाहर की तरफ ले लिया। एक ही सिंपल से स्टार में से आप वेराइटी ऑफ स्टार्स कवर कर सकते हैं, बना सकते हैं। शेप्स में जाके जो डिजाइन आप चाहें जैसे आप उसे प्रेस करें और उसके बेस पे जैसे आपको ड्राइंग्स बनानी हो आप आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बना सकते हैं। और अगर उसमें कोई येलो मार्किंग है तो देखिए ये चेंजेस हो रही है। जैसे आपको बनाना हो ये शेप्स में जाके डिजाइन अलग अलग बना सकते हैं। अब यहां पे इसे दिखा रहा है टीयर ड्रॉप, ऑन किया इसे स्क्रॉल कर लेते हैं और एक टीयर ड्रॉप बना दिया हमने। अब अगर हमें इसका आउटलाइन नहीं चाहिए तो यहां पे देखिए ड्राइंग टूल फॉर्मेट दिखा रहा है, ये शेप आउटलाइन में जाके आप इसको नो आउटलाइन कह दीजिए, इसकी आउटलाइन ऑफ हो गई। अब यही सेम हम होम से कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, ये यहां पे इसको रख दिया। अब फिर से हम ड्राइंग टूल फॉर्मेट में जाके यहां पे रोटेट में आते हैं और इसको बोल दिया फ्लिप हॉरिजेंटल, ऑन किया, अब इसको यहां पे कर दिया सेट में कंबाइन कर दिया। अब इसको जस्ट सिंपल सा प्रेस किया, कीबोर्ड से शिफ्ट की हेल्प से दूसरे डिजाइन को भी प्रेस किया, दोनों सिलेक्ट हो गए। अब होम से अगेन कॉपी एंड पेस्ट करते हैं, ये वो डिजाइन आ गई यहां पे, इसको हम शिफ्ट करते हैं ये स्क्रॉल करके ये यहां पे लेके आए। अब अगेन फॉर्मेट से रोटेट में जाके हम फ्लिप वर्टिकल दे देते हैं, देखिए इधर डिजाइन आपस में हो गई, एज ए फ्लावर बना दिया हमने। अब इसको हम फर्स्ट फ्लावर को या फर्स्ट डिजाइन को प्रेस करते हैं शिफ्ट की हेल्प से, कीबोर्ड से हमें शिफ्ट प्रेस करना है, ये दूसरी डिजाइन, ये नेक्स्ट एंड ये नेक्स्ट, सब डिजाइन सिलेक्ट हो गई। अब आप क्या करें, ड्राइंग टूल फॉर्मेट में जाके यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन दिया हुआ है, इसके अंदर एक ग्रुप ऑप्शन पे प्रेस कर दीजिए। अब ये डिजाइन है वो सब आपस में ग्रुप हो गई, अब इसमें जो भी चेंजेस चाहे छोटी बड़ी साइज चाहे सबका एक साथ हो रहा है। जो भी डिजाइन आप चाहें इंसर्ट में शेप्स में जाके यहां से आप कोई भी डिजाइन ले लीजिए जैसे आप चाहें, और यहां से येलो कलर की हेल्प से इसका शेप चेंज करना है तो आप वो भी कवर कर सकते हैं। होम से कॉपी एंड पेस्ट किया, ये आ गया यहां पे। अगेन ड्राइंग टूल फॉर्मेट में रोटेट से हम इसको हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर लेते हैं और इन दोनों डिजाइन को आपस में कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। अब अगेन इसको भी जस्ट सिंपल प्रेस किया, शिफ्ट की हेल्प से दूसरे डिजाइन को क्लिक किया, होम से कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। अब ये जो डिजाइन हमने बनाई है वो पहले वाले डिजाइन के साथ हमें कवर करनी है, कंबाइन करनी है। यहां पे अभी अगेन फॉर्मेट रोटेट वर्टिकल लगा दिया, देखिए हो गए डिजाइन। अगेन शिफ्ट की हेल्प से सब चारों डिजाइन को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके ग्रुप से ग्रुप कर दीजिए, ये हो गया। अब इसमें हमने आउटलाइन ऑफ नहीं की है तो देखिए आउटलाइन भी मेंशन किया हुआ है, हम इसमें भी डिफरेंस लग देते हैं, कॉपी पेस्ट किया। अब अगेन ड्राइंग टूल फॉर्मेट में आउटलाइन से नो आउटलाइन कर लेते हैं, देखिए ये वहां पे आउटलाइन की वजह से एकदम डिजाइन परफेक्टली दिख रही है और ये आउटलाइन नहीं होने की वजह से। अगर आपको ये फिर से कंबाइन करना है तो आपको क्या करना होगा, अगेन ग्रुप में जाके अनग्रुप करना है, फिर बाहर क्लिक कीजिए ताकि इसका सिलेक्शन ऑफ हो जाए। स्क्रॉल करते हैं,
ये इसको प्रेस करके कीबोर्ड से आप डाउन एरो प्रेस कीजिए कंबाइन करने के लिए, आप चाहें तो माउस से भी क्लिक कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगे। अब ये चारों डिजाइनें कंबाइंड हो गई, शिफ्ट की हेल्प से सिलेक्ट करके ग्रुप में जाके हम इसको ग्रुप लगा देते हैं। ठीक है, इंसर्ट में, शेप में, ये तो ठीक है, आप रेडीमेड डिजाइन जो भी चाहें क्लिक करिए और ड्रॉ कर लीजिए, और येलो पॉइंटर की हेल्प से आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, या राइट क्लिक की हेल्प से आप इसमें एडिट कर सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं जो भी आपको चाहिए। इसी में इंसर्ट में शेप्स के अंदर यहां पे ऑप्शन दिया हुआ रहता है फ्री फॉर्म का, जैसे इस फ्री फॉर्म को ऑन कीजिए, अब आपको जहां पे ड्राइंग ड्रॉ करनी है वहां पे आइए और एज अ रफ ड्राइंग, देखिए एज अ रफ ड्राइंग जैसे पेंसिल से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये सेम डिजाइन बन रही है, जैसे चाहे आप रफली डिजाइन भी कवर कर सकते हैं इंसर्ट में, शेप में से, फ्री फॉर्म से। अदरवाइज बाकी रेडीमेड डिजाइन तो हैं, आप उनका यूटिलाइज करके आपके प्रोजेक्ट में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होगा। वीडियो पसंद आने पे लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड कमेंट करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जैसे न्यू वीडियोस की पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।